नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया वर्ल्ड 360 में आप सबका स्वागत है। देखिए, मेरा मानना है कि मोर लर्न मोर अर्न, जितना ज़्यादा हम सीखते हैं उतना ज़्यादा ही हम कमाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अभी जिस स्टॉक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, ये फ्यूचर में बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है, लेकिन अपने ये हाई से लगभग 40% के नीचे है। और जिस तरीके से आज इसके क्वार्टरली रिजल्ट आया ना, तो एक उम्मीद है कि फ्यूचर में जो आपका अभी लॉस है, यदि आपने ऊपर ले रखा, क्योंकि होता क्या ना कि जो रिटेल निवेशक होता है, आम निवेशक, रिटेल निवेशक मतलब हम आप जैसे लोग, तो जब स्टॉक भागता है तभी हम एंट्री करते हैं, और जब तक स्टॉक नीचे रहता है, गिरता रहता है, तो हम एंट्री ही नहीं करते, वहाँ खरीदते ही नहीं है, तब तक हम उसे दूरी बना लेंगे। जैसे स्टॉक भागना शुरू करेगा वैसे ही हम ऊपर जाके एंट्री कर लेंगे। तो ये अपने हाई से ये काफ़ी 40% डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है। और यदि आप इसका फंडामेंटल चेक करते हैं इस स्टॉक के बारे में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपके सामने रखा हूँ। प्रमोटर होल्डिंग देखिए लगभग 60% के आसपास है, 59.82%। FIs के पास लगभग 20% का माल FIs ने माल ले रखा है। DIs ने भी 7% का माल ले रखा है। पब्लिक के पास 13% है। तो जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात किया जाए तो जबरदस्त है। FIs ने भी माल खूब दबा के ले रखा है, DIs ने भी ले रखा है। साथ में यदि आप देखेंगे तो कैश फ्लो कंपनी के पास में 137 करोड़ का कैश फ्लो भी है कंपनी के पास में, लेकिन इसने अपने निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा जो है तगड़ा लॉस कराया हुआ है, और जो भी लेके बैठे हुए होंगे उनको तगड़ा लॉस हो रहा होगा। देखिए, लॉस तभी होता है जब आप जब स्टॉक को सेल कर देते हैं। जब तक आपके पास स्टॉक है और आपने सेल नहीं किया है, तब तक वो लॉस नहीं होता है। अप एंड डाउन तो लगा ही रहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का नेचर ही अप एंड डाउन। अब यहाँ बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का लगातार बैलेंस शीट बढ़ता जा रहा है, और इस बार तो जबरदस्त हुआ। देखिए, 173 करोड़ 219 594, अभी 1610 करोड़ का रिजर्व है, और कंपनी के पास 16 करोड़ का मात्र छोटा सा कर्ज है, ये कोई मायने नहीं रखता है। साथ में यदि आप बात करेंगे तो जो इनका ईयरली सेल्स है, 956 करोड़ का सेल, 1406 करोड़ का, फिर 2002 करोड़ का, और अभी इससे ऊपर जो है सेल्स जा रहा है। और अभी जो है इनका नेट प्रॉफिट की बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 101 175 220 258, और नेट प्रॉफिट की बात करें 58 करोड़ 133 166 200। लगातार इनके सेल्स में भी कंटिन्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है, लगातार इनके नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही है, EPS में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। इसी तरीके से यदि आप क्वार्टरली देखते हैं तो क्वार्टरली भी कंपनी जबरदस्त कर रही है। सेल्स देखें 436 500 563 626, अभी 729 जो आज का रिजल्ट आया ना, 729 करोड़ का इस कंपनी ने सेल किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ है, 56 करोड़ 61 करोड़ 56 करोड़, अभी 85 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 42 करोड़ 45 करोड़ 46, अभी 69 करोड़ का जबरदस्त ग्रोथ हुआ। EPS में भी जबरदस्त जंप आई है। तो ये स्टॉक फ्यूचर में बड़ा रिटर्न आपको दे सकता है। यदि आप लॉस में हैं तो जरूर इसको बेचिएगा नहीं, यही आपको करना है। देखिए, कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी का जो 5 सालों का 22-23% के CAGR से ग्रोथ कर रही है कंपनी। साथ में यदि आप कंपनी का देखेंगे ना, तो BSE NSE दोनों पे लिस्टेड है। मार्केट कैप 8833 करोड़ की एक स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी है, और आपको बता दें ये IT सेक्टर की कंपनी है और स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी है। देखिए, ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड्स वाली है, लेकिन ध्यान दीजिएगा स्मॉल कैप कंपनियों में फंडामेंटल बहुत अच्छा है। तो ये स्टॉक आपको 40% गिर भी जाते हैं, देख सकते हैं आप, 2389 इसका हाई था, वहाँ से 1400 रुपये के आसपास ही मिल रहा है आज के डेट में, 1052 पे चला गया था, तो लगभग ये 50% से ज़्यादा ये टूट गया था। लेकिन आपको करना क्या, पेशेंस के साथ बने रहना है। फ्यूचर में ये स्टॉक 2500 भी जाएगा, 2000 भी, 3000 भी जाएगा, 3500 भी जाएगा। बुक वैल्यू की बात करें 265 का है। कंपनी डिविडेंड भी हल्का फुल्का देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें 17 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.3 का है। फेस वैल्यू इसका 10 है। कंपनी के बारे में बात करें तो रूट मोबाइल लिमिटेड एक IT सेक्टर जबरदस्त कंपनी है। जब आप इस पर खुद का एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि कंपनी फ्यूचर स्कोप जबरदस्त है, OTT प्लेटफॉर्म बहुत सारी चीज़ों पे है। तो इस स्टॉक को यदि आपने अपने पास रखा है और आपने ऊपरी लेवल से ले रखा है, तो जरूर इसको बेचिएगा नहीं, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट आया ना, इसने अपने पिछले दोनों क्वार्टर के सेल्स में भी पिछले दोनों क्वार्टर को बीट किया है। सेल्स 729 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट में भी पिछले दोनों क्वार्टर को बीट करते हुए 69 करोड़ का हो गया। EPS में भी जबरदस्त ग्रोथ है। तो इस स्टॉक को हर गिरावट में आप लेते रहिए, और यदि आप हैं इसमें तो और एक्युमुलेट करिएगा। फ्यूचर में ये स्टॉक आपको मल्टी वगैरह रिटर्न दे सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए बेहतर इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता रहूँ। साथ में वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि और बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिले कि इस स्टॉक में, किस स्टॉक में एंट्री करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।